आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनवरी में नासिक जिले के मुधे गांव में जिंदल कंपनी में भीषण आग लग गई थी। इस घटना में तीन कार्यकर्ता महिला कुमारी प्रहलाद सिंह, अंजलि राम कुबेर यादव, सुधीर लालता प्रसाद मिश्रा की मौत हो गई थी। इसमें 22 मजदूर घायल हो गए। इस घटना को लेकर घोटी थाने में अचानक मौत एक्सीडेंटल बर्न का केस दर्ज किया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक दिलीप खेडकर हादसे की जाँच कर रहे थे। दुर्घटनावश जलने की जाँच के संबंध में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग नासिक और संबंधित विभागों को पत्राचार कर रिपोर्ट मांगी गई थी। साथ ही कंपनी की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल किए। सारे दस्तावेजों की माने तो जिस बैच पॉली प्लांट में सबसे पहले आग लगी थी, बैच पॉली प्लांट करीब 1.5 महीने से बंद था। प्लांट चालू करने से पहले उक्त प्लांट का निरीक्षण और मरम्मत के बाद पता चला कि आग प्लांट से थर्मिक फ्लूइड ऑयल के रिसाव के कारण लगी थी, क्योंकि प्लांट चालू करते समय SOP का पालन नहीं किया गया था। उक्त आग में एक पुरुष और दो महिला कर्मचारियों की मौत हो गई और कंपनी के 22 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। जिंदल पॉलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 7 व्यक्ति जिम्मेदार है। फैक्ट्री मैनेजर, पॉलीफिल्म प्लांट बिजनेस हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शिफ्ट इंचार्ज और प्लांट ऑपरेटर। इसलिए घोटी के सहायक पुलिस निरीक्षक दिलीप खेडकर ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घोटी थाने में गुड़ नंबर IPC की धारा 304, 337, 338, 285, 287, 34 के तहत 85/2023 दर्ज किया गया है। नासिक ग्रामीण के उपमंडल पुलिस अधिकारी अर्जुन भोसले इस अपराध की जांच कर रहे हैं।